अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुर्रम तुफैल, आप देख रहे हैं रेड बॉक्स न्यूज़। इस खबर को स्पॉन्सर किया है अल्बर्टा डेवलपर्स ने, जो एक शानदार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है सिटी 108। खबर की जानिब बढ़ते हैं, आपको बताते चलें कि सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है और कहना है कि कराची में कब्जे करवा कर गोठाबाद किए जा रहे हैं। तफसीलात कुछ यूँ हैं कि सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने मंगूपीर में राजी पर तनाज़े से मुतालिक NDFC ऑफिसर एंड स्टाफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने मंगूपीर में राजी तनाज़े से मुतालिक 30 रोज़ में सिंध हुकूमत और दीगर से वजाहत तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि NDFC ने मज़कूरा एराजी 1987 में ख़रीद कर सोसाइटी बनाई, सोसाइटी मुलाजमीन अफसरान के लिए मुख्तस की गई, 2011 में लैंड माफिया ने कब्जा करके गोठ आबाद किए। मुख्तारकार गोठ आबाद ने मुला जाम गोठ की जाली सनद बनाई। अदालत ने मुख्तारकार मंगूपीर गोठ आबाद स्कीम पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि कराची में पूरे मनसूबे के जरिए गोठ आबाद किए जा रहे हैं, निजी सोसाइटीज़ पर कब्जे करवा कर गोठ बनवाए जा रहे हैं। मुख्तारकार की पूरी कोशिशें हैं कि गोठ बनवाए जाएं, जिनकी सोसाइटीज़ हैं वो कहाँ जाएं। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि गोठ बनाने की प्लानिंग की जा रही है, KDA तो ख़त्म हो गया, आखिरी स्कीम के बाद अब गोठ हैं। अदालत ने सरकारी वकील से मुकालमे में कहा कि सिंध हुकूमत क्या कर रही है। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद बाखबर रहने के लिए रेड बॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि रेड बॉक्स ज़रूरी है।